N24। और जांजगीर जिले के हसौत पुलिस के जानकारी अनुसार हसौत थाना अंतर्गत भातमाहुल की 35 वर्षीय महिला ने थाने में आकर भातमाहुल निवासी बिल्लू यादव के खिलाफ जबरन हाथ पकड़कर कपड़े फाड़ने और छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि घटना के दिन महिला शाम को गाय चराकर आ रही थी, उसी दौरान बिल्लू यादव द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगी। महिला द्वारा छेड़खानी का विरोध किए जाने पर गाली गलौज भी की गई, जिस पर हसौत पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ 354 की धारा के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा जिले के हसौत थाना अंतर्गत ग्राम भातमाहुल की 35 वर्षीय महिला ने थाने में आकर भातमाहुल निवासी बिल्लू यादव उर्फ नंद किशोर यादव पिता सियाराम यादव 36 वर्ष के खिलाफ जबरन हाथ पकड़कर कपड़े फाड़ने व छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बताया कि घटना के दिन महिला शाम को गाय चराकर आ रही थी, उसी दौरान बिल्लू यादव द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा और महिला द्वारा छेड़खानी का विरोध किए जाने पर गाली गलौज भी की गई, जिस पर हसौत पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सर, जो 354 का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या क्या है इसके कारण? हाँ, वो महिला भातमाहुल की है और वहीं सुशी गांव का है। वो रास्ता चलते हुए उसको छेड़छाड़ किया था, लिखित आदेश में दसों प्राप्त करने लग गई है और रिमांड में भेज दिया। सर, लाल माटी का ब्यूरो रिपोर्ट।